हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शाहिद में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हार्ड डिस्क को किस तरह से पार्टीशन करेंगे और किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपना माई PC ओपन कर चुका हूँ। और देखिए, यहाँ मेरा C ड्राइव है, ये मेरा D ड्राइव हो गया, और उसे ये E ड्राइव है, और ये F ड्राइव है, और ये G ड्राइव जो खाली है। तो समस्या ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइव्स हो गए हैं। ये 1 TB का मेरा हार्ड डिस्क है और इसमें 4 ड्राइव है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो सोचा कि इसको मैं पार्टीशन करूं और इसको फॉर्मेट करके सिर्फ 2 पार्टीशन करूं इस हार्ड ड्राइव को, और उसको किस तरह से पार्टीशन करेंगे और किस फॉर्मेट करेंगे, तो चलिए दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अपने माई PC पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मैनेज यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा एक इस तरह का कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक इंटरफेस खुल के आएगा। और यहाँ पे नीचे में आप जाएंगे सबसे, तो यहाँ दिखाएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जैसे ही क्लिक करें, देखिए हमारा यहाँ पे एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, और इसमें सारा जितना भी आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन है सब इसमें दिखा देता है, उसका स्टेटस दिखा देता है। तो सारा स्टेटस जो है हेल्दी है, यानी कि हमारा हार्ड डिस्क है सही है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो मेरे PC में 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है। पहला तो है SSD है, 240 GB कहेंगे उसको, और नीचे में है डिस्क 1 जो दिख रहा है, वो है जो 1 TB का इंटरनल हार्ड डिस्क है। तो ये हमारा जो पहला तो सही है, और दूसरा जो हार्ड डिस्क है इसको इसी को हमको फॉर्मेट करना है, पार्टीशन करना है, सिर्फ 2 पार्टीशन करना है। इसमें देखेंगे तो 4 पार्टीशन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो 1 TB का हार्ड डिस्क है और उसमें 4 पार्टीशन है, तो कुछ यूजफुल है नहीं, सही नहीं है। तो इसको किस तरह से हम लोग पार्टीशन करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले पार्टीशन पर राइट क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे करना क्या है हमको, डिलीट करना है सारा पार्टीशन को, डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे, तो हमारा वो पार्टीशन जो है डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए अनलोकेटेड लिख रहा है वहाँ पे। फिर जी ड्राइव पे भी क्लिक करेंगे और डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे, ये भी हमारा जो है पार्टीशन डिलीट हो गया। और फिर डी ड्राइव है उस पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे डिलीट वॉल्यूम, और इसको यस कर देंगे, ये भी हमारा पार्टीशन डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो बगल में आपका सारा डाटा जुड़ता जाएगा। यहाँ भी ई ड्राइव को भी डिलीट वॉल्यूम करेंगे और उसको सिंपली यस कर देंगे वही, तो हमारा जो है ये भी डिलीट हो गया। अब जो है हमारा हार्ड डिस्क है 1 TB का, यहाँ पे 931 GB जो है दिखा रहा है, कुछ वो अपना वो ले लेता है सिस्टम के लिए, लेकिन 931 GB का हमारा ये जो है कंप्लीट हार्ड डिस्क दिख रहा है। अब इसमें जो है हमको पार्टीशन करना है, तो मैं सोचा कि 2 पार्टीशन ही सिर्फ करूं, तो यहाँ पे इस पार्टीशन करने के लिए हमको यहाँ पर देखेंगे तो अनलोकेटेड दिखा रहा है सबसे पहले, तो यानी कि अगर आप डायरेक्ट अगर जाएंगे तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऊपर सबसे देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर न्यू सिंपल वॉल्यूम है, तो हमको न्यू सिंपल वॉल्यूम ही बनाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे। अब देखिए असल खेला जो है होता है यहीं पे होता है, यहीं पे ध्यान देने वाला बात होता है कि आपको कितना पार्टीशन बनाना है आपके हार्ड डिस्क में। तो मुझे 2 चाहिए, तो सबसे ऊपर देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे 9,53,867 MB है, इसमें MB में दिखाता है, उसको आपको GB में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको 2 पार्टीशन करना है तो जो ऊपर दिख रहा है 9,53,867, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 2 बनाना है पार्टीशन तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 बनाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा वो जो है नीचे वाला जो दिख रहा है कॉलम उसमें फिल करना होता है। तो हमारा 9 लाख है, तो मान चलिए कि उसका आधा जो होगा 4,50,000 होगा MB। तो इसमें हम सिंपली होगा तो कुछ अधिक ही, लेकिन मैं 2 पार्टीशन में थोड़ा सा कम बेसी कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 4,50,000 MB भर दिया, फिल कर दिया हूँ। अब जो है हमारा 2 पार्टीशन
के लिए ये तैयार है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ फिल कर लिए और यहाँ पे जो है नीचे में नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे सिंपली। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सारा ओके हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो सबसे ऊपर में आपको नेम के लिए दिखाई देगा कि क्या आप उस ड्राइव जो बनाए हैं उसमें कौन सा जो है नाम डालना चाहते हैं, डी ई एफ जी एच जो भी हो आपका। तो मैं मेरे कंप्यूटर में डी नहीं था, डी कर लिया और उस डी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो है फाइल सिस्टम NTFS रहेगा, लोकेशन जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा और वैल्यूम न्यू वैल्यूम, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। परफेक्ट से क्विक फॉर्मेट वो भी सही है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका वैल्यूम जो है एक नया बन के तैयार है, यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे सिंपली और कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही फिनिश करेंगे यहाँ पे जो है एक हमारा जो है दिखा दिया पार्टीशन, देखिए फॉर्मेट होकर के ऑटोमेटिक है, न्यू वैल्यूम डी आ गया और यह 439 40 मानिए 440 GB का एक जो बन चुका है हमारा पार्टीशन। और दूसरा जो है 492 GB का, अभी देखिए यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पहले से बन गया हमारा डी ड्राइव वहाँ पे हेल्दी दिखा रहा है और यहाँ पे अनलोकेटेड दिखा रहा है। तो इसको भी लोकेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर में जाएंगे न्यू सिंपल वैल्यूम, फिर दोबारा जैसे पिछली बार किए थे हम लोग वैसे ही इस बार भी करेंगे। न्यू सिंपल वैल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है वेलकम टू द न्यू सिंपल वैल्यूम विजार्ड। तो यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट करेंगे, कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना बचा हुआ MB और या GB कहेंगे उसको था वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसमें हमको करना है नहीं, दूसरा नहीं बनाना है, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे देखिए पहले वाला जो है था हमारा ड्राइव डी था, अब जो हमको उसके आगे ई करना है तो सिंपली ई पहले से ही सिलेक्ट है और कुछ नहीं करना था, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, NTFS रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, ये भी वही सेम रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिनिश कर देना है। देखिए जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है डिस्क मैनेजमेंट में ये फॉर्मेटिंग हो रहा है दूसरा वाला ड्राइव, और देखिए यहाँ पे न्यू वैल्यूम ई जो है आ गया है बन करके और ये 992 GB का है और इसका भी जो है स्टेटस जो है दिखा रहा है हेल्दी, प्राइमरी पार्टीशन जो है हेल्दी है, सही है, गड़बड़ नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार और फॉर्मेट कर लेते हैं। तो डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इस सेटिंग्स से, और ओके कर देंगे। ओके जैसे ही करेंगे फिर एक बार ओके कन्फर्मेशन के लिए मांगेगा और फिर दोबारा जो है हमारा ड्राइव फॉर्मेटिंग होकर के बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। फिर दूसरा वाला जो था ई ड्राइव, उसको भी वही सिंपली राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्मेट का एक ऑप्शन, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है खुल के आएगा फॉर्मेट ई ड्राइव, उसमें से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। यहाँ से भी ओके करेंगे और हमारा ई ड्राइव भी जो दूसरा पार्टीशन भी था वो भी जो है फॉर्मेट हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे ये फॉर्मेट हो चुका है, दोनों ड्राइव जो है हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, काम करने के लिए रेडी है। अब ये तो हो गया फॉर्मेट का भी ऑप्शन, दोनों क्लिक हो गया आपका सामने, जैसे कि मैं पार्टीशन ही बना के दिखा दिया, उस ड्राइव को फॉर्मेट करके भी दिखा दिया। इस तरह से आप जो है अपना हार्ड ड्राइव PC में खुद जो है पार्टीशन बना सकते हैं और खुद ही फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको दुकान पे शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं अपना माई कंप्यूटर खोला तो यहाँ पे हमारा सी ड्राइव है ऑलरेडी पहले से ही, और यहाँ पे देखिए डी और ई जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा और घर बैठे जो है आप इस तरह से अपना हार्ड डिस्क जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।